गुड मॉर्निंग। तो अपन ने कल पढ़ लिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन ने पढ़ लिए थे 3.3 एक्सरसाइज में थे अपन, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। अब अपन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं। तो सब अपने क्वेश्चन अपनी बुक में 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसका फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। पहले जो ये एक लाइन लिखी है इसकी इंफॉर्मेशन को आप मैथ्स की लैंग्वेज में लिखो। देखो भाई इंफॉर्मेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो मैं मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है, जो सेकंड नंबर है वो y, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 26। मैंने जो एक इंफॉर्मेशन मुझे लिखी हुई थी लैंग्वेज में मैंने उसको लिख लिया अपनी मैथ्स की भाषा में, ठीक है। वन नंबर इज 3 टाइम देन अनदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब ट्रिपल है। तो ट्रिपल कैसे करेंगे भाई, ठीक है चलो देख लेते हैं हम कि अपन ट्रिपल कैसे करेंगे। एक इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया, ये एक इक्वेशन होगी पहली इंफॉर्मेशन जो आई थी मेरे पास। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर जो है वो दूसरे वाले का ट्रिपल। ये बात देख रहे हैं अपन कि फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अनदर नंबर, ठीक है, 3 गुना। अब बात करते हैं, अब मेरे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इससे आगे क्या करना है, आप देखो कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए मुझे x की वैल्यू जो होती है वो y की होती है, ठीक है। वो जो होती है अपने पास में सब्स्टिट्यूट करनी है x की वैल्यू y की जगह पे, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है 3y वो यहाँ रख देता हूँ, x की वैल्यू मेरे पास में 3y है वो यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। वो यहाँ रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे दूसरे में से उठाइए तो पहले में रखेंगे, पहले में से उठाइए होती तो दूसरे में रखते हैं, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो अब यहाँ रख रहा हूँ मैं इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3y माइनस वाई। सिर्फ x को रिप्लेस किया है, सिर्फ x को सब्स्टिट्यूट किया है, बाकी सब एज इट इज अपन उसको लिख देंगे। माइनस वाई लिख दिया इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई दोनों का सरनेम सेम है, गाइस 3 का भी सरनेम y है और ये भी y है, तो ये आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे, आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में 13। अब मेरे पास एक नंबर आ गया 13, दूसरा नंबर के लिए क्या करेंगे, जब मेरे पास y की वैल्यू 13 आ गई है तो दूसरे नंबर के लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ रख दूँ या फिर यहाँ रख दूँ, यहाँ पुट कर दूँ या फिर यहाँ पुट कर दूँ, जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ कर देंगे। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू थी y की जगह पर रिप्लेस कर देंगे अपन वैल्यू, क्या हो गई 13। तो x इज इक्वल टू थी क्या आ गया 39। ये अपना आंसर हो गया, जो लार्जर नंबर है वो 39 आ गया और जो स्मॉलर नंबर है अपना वो आ गया 13। आप देख सकते हैं कि लार्जर नंबर में से आप स्मॉलर माइनस करेंगे तो 26 भी आ रहा है, सही है, अपन सही कर रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4th, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट अपन देख रहे हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं अभी, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को नोट कर लें क्योंकि मुझे इसको रब करना है, ठीक है। आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट करने वाली चीजें नोट करते रहे कॉपी में अपनी, और बुक में से क्वेश्चन को पढ़ते रहे लगातार, तो आप इसको नोट कर सकते हैं भाई। मिटा दूं, चलो उसको मिटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पढ़ता है, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लैंग्वेज में बिल्कुल भी पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। दो चीजें अपन को बताई हैं, एक तो अपने पास फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है कि टैक्सी में आप बैठे कितना भी दूर चले वो फिक्स्ड चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, वो रहेगा ही रहेगा, लगेगा ही लगेगा। आप चाहे टैक्सी में कितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल करो, 5 किलोमीटर वेदर इट बी 10 किलोमीटर वेदर इट बी 15 किलोमीटर, तो आपका वो जो फिक्स चार्जेस है वो लगेंगे। तो मैं लिख देता हूँ भाई, फिक्स चार्जेस को मैंने एक वेरिएबल लेट कर लिया कि वो x है, ठीक है। और पर किलोमीटर आपके जो राइड के वो लगते हैं y रुपीज, ठीक है, मैंने दोनों को लेट कर लिया। अब पहली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि एक जो व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो 10 किलोमीटर गया तो उसका फेयर आया 105 रुपीज, लिख रखी है बात। तो अब एक बात बताओ, जब वो 10 किलोमीटर गया तो उसके फिक्स चार्जेस तो लगे ही लगे, और क्या लगा है, 10 किलोमीटर चलने के भी चार्जेस लगे हैं।
तो फिक्स चार्जेस मेरे पास में कितना है, फिक्स चार्जेस मेरे पास में एक्स रुपीज, और एक 1 किलोमीटर उसको ट्रैवल करने के वाई रुपीज लगते हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 10 वाई लगेंगे, और ऐसा करके टोटल जो उसका फेयर आ गया वो कितना आ गया 105। ये पहली इंफॉर्मेशन जो लैंग्वेज में लिखी हुई थी मैंने उसको मैथ्स की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अच्छा दूसरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, अगर दूसरा पर्सन 15 किलोमीटर की राइड करता है तो उसका 155 फेयर आता है, तो पहला पर्सन जो है वो चला था 10 किलोमीटर, फिक्स चार्जेस तो उसका भी लगेगा, फिक्स चार्जेस तो फिक्स है भाई, वो तो लगेगा टैक्सी में ट्रेवल करने के पैसे तो लगेंगे। अच्छा और कितने किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर, टोटल उसके पास कितना फेयर आ गया, 155, ठीक है क्या, ये मेरी दूसरी इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा कि फिक्स चार्जेस कितना है, मुझसे ये भी नहीं पूछा कि पर किलोमीटर राइड का पैसा कितना लगेगा, मुझसे ये पूछा है कि 25 किलोमीटर अगर वो चलता है तो टोटल चार्जेस कितने लगेंगे, टोटल चार्जेस मुझसे पूछे हैं, तो मुझे क्या बताना है भाई, फिक्स चार्जेस तो बताना ही बताना है, 25 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से जितने रुपए लगे हैं वो भी बताना है, तो मुझे एक्स की भी वैल्यू चाहिए, वाई की भी वैल्यू चाहिए, और वहीं रखने के बाद जो आएगा वो आंसर आएगा। तो एक्स और वाई को कैलकुलेट करते हैं, चलो करते हैं भाई कैलकुलेट, कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं, एक्स की वैल्यू, लेट्स से कि 10 बाई एक वेरिएबल होता, अगर 10 बाई एक वेरिएबल होता तो सामने जाके इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस का हो जाता, तो अभी एक्स की वैल्यू है मेरे पास में क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 105 माइनस 10 बाई, ठीक है ये वाली बात क्लियर, ये जो एक्स की वैल्यू 105 माइनस 10 बाई है फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने उठाई है, तो दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें वापस नहीं रख लेंगे भाई, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो बाकी सबको एज इट इज रखना है, बस इस x को सब्स्टिट्यूट करके 105 माइनस 10 वाई लिखना है, यहां रख रहा हूं भाई 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू दी 155। अब एक बात देखो, ये y, ये जो 10 है इसका सरनेम y है क्या, इस 15 का भी सरनेम y है क्या, तो 15 प्लस का 10 माइनस का मेरे पास में क्या आ जाएगा 105 प्लस 5y इज इक्वल टू दी 155, इस 105 को उधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 50, तो y इज इक्वल टू दी क्या आ गया मेरे पास में 10, तो पर किलोमीटर राइड जो ट्रैवल कर रहे हैं उसका चार्जेस आ गया मेरे पास में 10, लेकिन अभी मेरे पास में फिक्स चार्जेस नहीं पता है, हमें फिक्स चार्जेस नहीं पता है, तो फिक्स चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए ये जो y की वैल्यू है यहां या यहां फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में कहीं भी रख सकते हैं, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं भाई, x की वैल्यू लेने के लिए मैं y की वैल्यू को रख रहा हूं इधर, जो मैंने अभी सॉल्व करके निकाली है जो कि 10 है, तो ये आ जाएगा 105 माइनस 10 * 10 = 100 इज इक्वल टू दी 5, तो फिक्स चार्जेस मेरे पास में आ गया 5 और मेरे पास में पर किलोमीटर का चार्ज आ गया 10 रुपीस। अब मैं यहां उसको रख देता हूं, फिक्स चार्जेस मेरे पास कितना है, फिक्स चार्जेस देख सकते हैं आप लोग कितना है 5, और 25 किलोमीटर चलना है, पर किलोमीटर के टैक्सी चार्ज कितना कर दिए 10 रुपीस, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 इज 250 प्लस 5 इज इक्वल टू दी 255, तो इफ अ पर्सन ट्रैवल्स 25 किलोमीटर ही विल चार्ज बाय 25 रुपीस, इस यही अब हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ गया है, ये था एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, अब अपन कर रहे हैं इसका फिफ्थ पार्ट, जो भी 6 पार्ट है टोटल, जो भी 6 पार्ट में से मैं 3 पार्ट कर रहा हूं, 3 पार्ट आप सॉल्व करेंगे, नहीं होता तो मुझसे डाउट में पूछेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, इसको नोट कर लेंगे, चलो फिफ्थ पार्ट पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स, तो अगर बात फ्रैक्शन की हुई है तो मुझे लेट करना पड़ेगा फ्रैक्शन को, क्योंकि एंड में आप लोग देख सकते हैं कि मुझे फ्रैक्शन ही पूछ रहा है, तो अगर मुझे फ्रैक्शन लेट करनी है, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, फ्रैक्शन क्या होती है जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो पी वाई क्यू में लिखने के लिए मैंने इसको एक्स अपॉन वाई मान लिया, कि न्यूमरेटर हो गया एक्स और डिनोमिनेटर हो गया वाई, ठीक है। अच्छा पढ़ते हैं इसको, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11
9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. Numerator और denominator दोनों में 2 add किया है तब वो fraction 9 by 11 हो गई. तो numerator अपने पास में क्या है भाई, x है क्या और denominator क्या है y है क्या, दोनों में 2 add करना है मुझे. दोनों में 2 add किया तो मेरे पास में fraction क्या बन गई भाई, 9 upon 11. ये बात समझ आ रही है, दोनों में numerator में भी 2 add किया और denominator में भी 2 add किया तो मेरे पास में फ्रैक्शन बन गई है 9 अपॉन 11, बोल रखा है मुझे करने को. अच्छा दूसरी ये इंफॉर्मेशन हो गई. अब इस इंफॉर्मेशन को इक्वेशन में कैसे कैसे अपन कन्वर्ट करेंगे भाई, ठीक है चलो देखते हैं. अब अपन इसको कैसे कन्वर्ट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. 11 की इधर मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 11x और 9 की पूरे के पूरे इस ब्रैकेट को उठा के सामने भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्या हो जाएगा 11 की इधर मल्टीप्लाई करो 11x प्लस 2 सॉरी 22 ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा भाई 9y प्लस 18. तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं इक्वल्स के और इक्वल के साइन के एक तरफ वेरिएबल्स को ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 22 उधर जाके माइनस का हो गया 18 प्लस का 22 माइनस का तो इज -4. ये बात ठीक है, एक इक्वेशन बन गई मेरे पास में. ये दूसरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. दूसरी इंफॉर्मेशन क्या कह रही है भाई, दूसरी इंफॉर्मेशन कह रही है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 3 ऐड करना है मुझे, पहले मैंने ऐड किया था, पहले हमने क्या ऐड किया था भाई 2 ऐड किया था, मुझे 3 ऐड करना है. 3 ऐड कर रहे हैं और यहां भी 3 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 5/6. फिर से इसको नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, 6 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6x. अब ब्रैकेट में इससे भी होगी, मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं, आप लोग उसको लिखेंगे 5y प्लस 15, ठीक है. तो फिर से वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ, यह आ जाएगा दूसरी इक्वेशन में. 18 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है. पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही. अब मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, अब मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे फ्रैक्शन पूछा है कि फ्रैक्शन क्या आने वाला है. इसको सॉल्व करने के लिए यहां से अगर एक्स की वैल्यू उठाई है तो यहां रखनी पड़ेगी, यहां से अगर एक्स की वैल्यू उठाई है तो यहां रखनी पड़ेगी. आप 5y को पूरे के पूरे एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, ठीक है. 6x माइनस 3 प्लस 5y तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3 प्लस y अपॉन में 6, ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू, ठीक है. तो x की वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं, जहां से दूसरी इक्वेशन से अगर मैंने उठाई है तो फर्स्ट में पुट कर रहा हूं भाई. चलो इसको पुट कर लेते हैं, 11 ऐसा कैसा रहने वाला है, ठीक है. अब x की जगह पे रख रहा हूं मैं माइनस 3 प्लस 5y अपॉन में 6 प्लस में सॉरी माइनस 9y, बाकी सब एज इट इज रहने वाला है भाई और माइनस 4. तो इस 6 का अगर मैं एलसीएम ले लूं, 6 एलसीएम ले लूंगा तो ये आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहने वाला है और 6 एलसीएम से ये क्या हो जाएगा 54 माइनस 54y इज इक्वल टू दी माइनस 24, ठीक है. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 33 प्लस 55y माइनस 54y इज इक्वल टू दी माइनस 24. साइन का ध्यान रखना भाई, ये जो माइनस का साइन था मल्टीप्लाई हो गया माइनस 33 हुआ, प्लस था तो प्लस का 55 हो गया. इस माइनस के 33 को उधर अगर इक्वल के साइन के भेज देंगे तो प्लस का 33 हो जाएगा. इस 55 का सरनेम भी वाई है, इस 54 का सरनेम भी वाई है, ये सिंगल वाई बन जाएगा. 55 माइनस 54 वन वाई होता है, वन वाई नहीं लिखते हैं सिर्फ वाई लिखते हैं, 33 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू दी 9, ठीक. y = 9 आ गया मेरे पास में और y की वैल्यू मुझे मिल गई है. किसकी वैल्यू चाहिए, x की. तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे भाई, अपन x की वैल्यू के लिए यहां रखते हैं, y की वैल्यू को यहां रखते हैं इसमें. तो x = क्या आ जाएगा -3 + 5 * 9 / 6. 9 y = 45, 45 - 3 = 42, 42 / 6 = 7. मेरे पास में x की भी वैल्यू आ गई है और y की भी वैल्यू आई है, अभी आंसर नहीं आया, मुझे वो फ्रैक्शन पूछी थी और वो फ्रैक्शन क्या है भाई, वो फ्रैक्शन मैंने लेट किया है x upon y. तो x की जगह पे x रखना पड़ेगा, y की जगह पे y रखना पड़ेगा. तो फ्रैक्शन इज x by y and we know the value of x and y is 7/9. That's our answer of this question. ठीक है,
तो 3.3 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन थे, फर्स्ट अपन ने किया एक वीडियो में, सेकंड अपन ने किया एक वीडियो में, और 3.3 के थर्ड क्वेश्चन में 6 पार्ट है, 6 में से 3 पार्ट अपन ने बोर्ड पे कर लिए हैं, आप इसको नोट कर लें और उसके बाद 3.3 एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। अपन अगले वीडियो में सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप।